हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल थारीसा एकेडमी पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज के लेक्चर में हम फाइलम एस्क्लेमेंथिस पढ़ेंगे। दिस इज द फिफ्थ फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट, दैट इज नॉन कॉर्डाटा। जैसा कि आप सभी को पता होगा, वी आर स्टडिंग चैप्टर एनिमल किंगडम ऑफ 11th क्लास बायोलॉजी। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, इन टॉपिक्स को आप पढ़ने के साथ साथ एक अच्छा नोट्स तैयार करने की भी कोशिश करें, ताकि वह नोट्स आपके रिवीजन के वक्त आपके लिए फायदेमंद साबित हो सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइलम एस्क्लेमेंथिस, दीज आर कॉमनली कॉल्ड राउंड वॉर्म। इन्हें राउंड वॉर्म बोला जाता है बिकॉज ऑफ द बॉडी अपीयर्स सर्कुलर इन ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन। अगर आप इनके बॉडी को, जैसे कि ये आपको राउंड वॉर्म है, ठीक है, आप इनके बॉडी को अगर ट्रांसवर्सली कट करेंगे तो आपको दिखेगा इस तरह से, जो है ना, बॉडी आपको राउंड शेप में दिखेंगे। तो दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड राउंड वॉर्म। नाउ एस्कॉस का मतलब होता है अ कैविटी। एस्कॉस का क्या मतलब होता है? अ कैविटी, दैट इज अ वॉर्म विच कैरी अ कैविटी इज कॉल्ड एस्क्लेमेंथिस। ऐसा कीड़ा, ऐसा वॉर्म जिनके बॉडी के अंदर कैविटी होता है, जिनके बॉडी के अंदर हॉलो स्पेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड एस्कॉस। This phylum is represented by about 15,000 species of roundworm. ये phylum जो है आपके पूरे nature में approx 15,000 जो है आपको species इनके पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनके habit and habitat के बारे में, इनके क्या लक्षण हैं और इनके क्या आवास है, ये कहाँ रहते हैं। ठीक है, they may be free living, aquatic and terrestrial or parasitic in plants and animals. ये आपको free living होते हैं, पानी में रहने वाले होते हैं, एंड टेरिस्टेरियल जमीन पे भी रहने वाले होते हैं, पैरासिटिक इन प्लांट्स, प्लांट पे भी जो है ना आपको एज अ पैरासाइट जो है प्लांट पे रहते हैं, और एनिमल्स पे भी जो है आपको एज अ पैरासाइट रहते हैं, ह्यूमन में भी ये होते हैं, अंडरस्टैंड, ह्यूमन में भी आपको ये आपको देखने को मिले हैं। बॉडी फॉर्म इनके क्या होते हैं? दे हैव एन इलोंगेटेड, इलोंगेटेड मतलब लंबा बॉडी, सिलिंड्रिकल बॉडी, सिलिंड्रिकल दैट इज हॉलो, which tapers toward both the end। इनको आप अगर देखेंगे बारीकी से, इस तरह के अगर शेप होते हैं तो इनके जो बॉडी होते हैं वो दोनों एंड में टैपरिंग होता है। टैपरिंग करते हैं, कहने का क्या मतलब, दोनों एंड जो है आपको एक तरह से पॉइंटेड होता है, नोकीला होता है। ठीक है, बीच में हॉलो होते हैं स्पेस, बीच में आपको सिलेंड्रिकल होता है, एंड दोनों एंड जो है वो इनके टैपरिंग होते हैं, दैट इज पॉइंटेड, नोकीले होते हैं, अंडरस्टैंड। बॉडी सिमेट्री इनके होते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स। ये जो है आपको इनके बॉडी को आप दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। जैसा कि मान लीजिए दिस इज द राउंड वॉर्म, इनको आप बीच से दो इक्वल पार्ट में काट सकते हो, दैट इज बायलेटरल सिमेट्रिकल। मैंने इसके बारे में बता दिया था आपको स्टार्टिंग में। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक हमने क्या देखा था? अभी तक हमने पॉलीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा था, टिश्यू, देन आफ्टर टीनोफोरा, सिलेंट्राटा और एंड नाइडेरिया में हमने देखा था टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्लेटी हेलमेंथिस में हमने देखा था ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ एस्क्लेमेंथिस से आपको ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग कैसे ऑर्गेन सिस्टम का डेवलपमेंट यहाँ पे बॉडी में होता है। नाउ जर्म लेयर, जर्म लेयर देखिए, बॉडी डेवलप टू फॉर्म थ्री जर्म लेयर। बॉडी में तीन तरह के जर्म लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। ये आपको पता होगा बॉडी में इससे पहले जो है ना, या फिर आप नाइडेरियंस में कह ले, नाइडेरियंस और टीनोफोरा में हमने देखा था एक्टोडर्म और इंडोडर्म, बट नाउ यहाँ पे तीन जो है आपको बॉडी जर्म लेयर मौजूद है, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बॉडी वॉल जो होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग एपिडर्मिस एंड मसल लेयर। बॉडी के जो वाल होते हैं, आउटर सरफेस जो होते हैं, ये आपको एपिडर्मिस जिसको कहलाता है, एपिडर्मिस, देखिए एपिडर्मिस का क्या मतलब होता है, एपी मतलब आउटसाइड एंड डर्मिस मतलब स्किन, स्किन के बाहर वाला जो सरफेस होता है दैट इज नॉन लिविंग, एंड मसल लेयर जिसको बोला जाता है। ठीक है, एपिडर्मिस इज सिंसाइटियल विदाउट सीलिया। सिंसाइटियल का मतलब क्या होता है? विदाउट सिंसाइटियल का मतलब होता है मल्टीन्यूक्लिएटेड, मल्टीन्यूक्लिएटेड। ठीक है, तो एपिडर्मिस जो होते हैं दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल, तो वो जो बॉडी है एपिडर्मिस दैट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड विदाउट सीलिया। इनके बॉडी में आपको सीलिया फ्लैजेला देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपको मेल एस्केरिस है एंड दिस इज द फीमेल एस्केरिस। मेल इज स्लाइटली शॉर्टर
एंड फीमेल इज स्लाइटली लॉन्गर देन मेल, अंडरस्टैंड? दिस इज द माउथ, दिस इज एक्सट्रिटरी पोर्ट, दिस इज लेटरल लाइन, देन आफ्टर आपके क्लोकल एपर्चर है, टेल वगैरह और पेनाइल स्टेज, सब सब सभी को हम लोग देखेंगे बारी बारी करके एलेबोरेट फॉर्म में. एंड दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन. ट्रांसवर्स माउथ को आप अगर कट करोगे, इस तरह से माउथ को अगर कट करोगे तो माउथ ऊपर से आपको इस तरह से देखेगा. दिस इज द माउथ एंड दिस इज द वेंट्रल लीप, लैटरल पैपिला. ठीक है, ये सब सारी चीज आपको यहाँ पे मौजूद होते हैं. ओके, नाउ एपिडर्मिस इज सिंसाइटियल, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं विदाउट सिलिया. सिलिया इस पे नहीं होता है. एपिडर्मिस इज एक्सटर्नली कवर्ड विद थिक क्यूटिकल ऑफ स्क्लेरोप्रोटीन. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. एपिडर्मिस जो होते हैं ये जो है आपको क्यूटिकल के बने हुए होते हैं, मेड अप ऑफ एक्सटर्नली कवर्ड विद क्यूटिकल. क्यूटिकल इज द पाउडरी सब्सटेंसेस, आपको पता होगा लीफ पे भी क्यूटिकल वगैरह होता है. तो क्यूटिकल से कवर्ड होते हैं एंड दैट क्यूटिकल इज मेड अप ऑफ स्क्लेरोप्रोटीन. ये क्यूटिकल जो है आपको स्क्लेरोप्रोटीन का बना हुआ होता है. क्यूटिकल इज माउल्टेड 4 times ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड. और ये जो क्यूटिकल कवरिंग जो होता है एपिडर्मिस के, ये आपको पूरे लाइफ साइकिल में, लाइफ चक्र में चार बार जो है इनके बॉडी में माउल्टेड होता है. माउल्टेड समझ रहे हैं, स्किन को निकालना. जैसे कि आप स्नेक में देखते होंगे, स्नेक जो है अपने बॉडी के स्किन को माउल्टेड करते हैं, वो आपको स्किन को निकालते हैं. ठीक है, तो यहाँ भी जो है क्यूटिकल इज माउल्टेड 4 times ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड. ये अपने बॉडी के क्यूटिकल को माउल्ट करते हैं जीवन चक्र में 4 times, 4 times. ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. Now, digestive system हम देखते हैं. Digestive system, alimentary canal is complete but very primitive. यहाँ पे alimentary canal complete, complete कहने का मतलब क्या? Mouth भी मौजूद है और anus भी मौजूद है, तभी जो है हम alimentary canal complete कहेंगे. और very simple, यहाँ पे आपको simple साधारण सा alimentary canal देखने को मिलेगा. Stomach नहीं होते हैं यहाँ पे. And ascaris feed on blood या फिर tissue. इनका जो भोजन होता है, इनका जो आहार होता है, ये आपको ब्लड को suck करने वाले होते हैं. ब्लड सक्कर, दैट इज सैंग्विवोरस जिसे बोला जाता है, ब्लड सक्कर. ठीक है, ये आपके ब्लड को सक करते हैं. रेस्पिरेटरी सिस्टम यहां पे देखने को मिला है. स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम यहां पे मौजूद नहीं है, एब्सेंट. ठीक है, गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन. डिफ्यूजन के माध्यम के द्वारा, बॉडी के द्वारा जो है आपको गैसेस एक्सचेंज होता है. ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है आपको बॉडी सरफेस के द्वारा. यहाँ पे कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गेन मौजूद नहीं है आपको. ठीक है, नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम इज अब्सेंट. सर्कुलेटरी सिस्टम भी यहाँ पे अब्सेंट है. बॉडी में ब्लड वगैरह बिल्कुल नहीं है. द सर्कुलेशन ऑफ फ्लूइड टेक्स प्लेस बाय द मूवमेंट ऑफ द बॉडी. बॉडी जो है अपना मूवमेंट करता है, दैट्स वाई इनके बॉडी में जो है जो भोजन होते हैं, आहार होते हैं, उनका मूवमेंट एक जगह से दूसरे जगह तक होता है. ये अपने बॉडी को मूव करते हैं, ताकि इनके बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड वगैरह है वो एक जगह से दूसरे जगह तक आगे की तरफ मूव करे. ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ फ्लूइड टेक्स प्लेस बाय द मूवमेंट ऑफ द बॉडी. ये देखिए, दिस इज द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज फेरेंगियल ग्लैंड्स. 3 pairs ऑफ फेरेंगियल ग्लैंड्स मौजूद है यहाँ पे. दिस इज रेडियल मसल्स. ये आपको फेरेंगियल ग्लैंड्स के बगल में रेडियल मसल्स मौजूद है. दिस इज इंटेस्टाइन, जिसमें माइक्रोविलाई होते हैं. यही माइक्रोविलाई जो है ना होता है, वो आपको फूड को आगे धकेलने में मदद करते हैं. माइक्रोविलाई फूड एब्जॉर्प्शन के लिए भी मदद करता है. माइक्रोविलाई का काम क्या होता है? फूड में जो डाइजेशन होता है, वो डाइजेशन जो है आपको एब्जॉर्ब होता है माइक्रोविलाई के द्वारा और सेल में जाता है, जहां पे इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है. ठीक है, उसके बाद आपको रेक्टम है. दिस इज रेक्टम. ये आपको डायलेटेड है, थोड़ा फुला हुआ रेक्टम है. एंड दिस इज द 3 pairs ऑफ रेक्टल ग्लैंड मौजूद होते हैं, जो आपको एनएस के पास मौजूद होते हैं, रेक्टल ग्लैंड के पास. रेक्टल ग्लैंड, अंडरस्टैंड? रेक्टम जो है वो आपको बॉडी ट्यूब से थोड़ा सा स्लाइटली डायलेटेड होता है. ये आप देख सकते हैं, दिस इज थिनर एंड दिस इज द थिकर वन. ओके, तो रेक्टम जो होते हैं वो स्लाइटली डायलेटेड होते हैं, फुले हुए होते हैं. ये आपको स्लाइटली डायलेटेड. एंड यहाँ पे रेक्टम के पास 3 pairs ऑफ रेक्टल ग्लैंड मौजूद होते हैं. दीज आर द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ एस्केलेमेंट्रिस, दैट इज राउंड द वर्ल्ड. एक्सक्रीटरी सिस्टम देखिए. एन एक्सक्रीटरी ट्यूब इज प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ राउंड वर्म विच रिमूव द बॉडी वेस्ट थ्रू एन एक्सक्रीटरी पोर्ट. देखिए, यहाँ क्या होता है, आपको इनके बॉडी में जिस तरह से एलिमेंट्री कैनाल आपने देखा था, उसी तरह से जो है ना एक ट्यूब मौजूद होते हैं फॉर एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन के लिए हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन जो है होता है वो आपको किडनी के द्वारा होता है, दैट इज द स्पेशलाइज्ड ऑर्गेन. लेकिन यहाँ पे डेवलपिंग स्टेज है एक्सक्रीटरी ऑर्गेन का, तो
यहाँ पे जो है आपको एक प्रकार के सेल मौजूद होते हैं, दैट इज कॉल्ड रेनेट सेल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेनेट सेल जो है आपको एज अ एक्सक्रीटरी यूनिट का काम करता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल का काम करता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल को एक्सपेल आउट करने का काम करता है। तो दिस इज हैज द इट हैज द सिंगल जायंट सेल कॉल्ड रेनेट सेल। दिस जायंट सेल इज एच शेप्ड। इनका आकार जो होता है वो एच शेप्ड होते हैं एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यहाँ पे जो है वो आपको अमोनिया है। That means they are ammonotelic. Ammonotelic. Ammonotelic कहने का मतलब क्या? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी से अमोनिया का निष्कासन हो, अमोनिया एक्सपेल आउट हो, दैट इज अमोनोटेलिक। ठीक है, तो आपको पता ही होगा अमोनोटेलिक वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पानी में रहने वाले होते हैं, मैक्सिमम अमोनोटेलिक होते हैं। तो दीज आर द एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ पे जो है आपको एक एक्सटर्नल ट्यूब मौजूद होते हैं फॉर द एक्सक्रीशन, बॉडी को एक्सपेल आउट करने के लिए, बॉडी की जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है उन्हें एक्सपेल आउट करने के लिए, एंड दैट इज थ्रू द रेनेट सेल। रेनेट सेल के द्वारा होता है एंड दैट रेनेट सेल इज एच शेप्ड। और यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है दैट इज अमोनिया। ठीक है, नाउ नर्वस सिस्टम। ये आप देख सकते हैं नर्वस सिस्टम किस प्रकार से बॉडी में जो है नर्व्स के गुच्छे जो होते हैं इस तरह से बॉडी में अरेंज्ड हैं। इट इज कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रल गैंग्लिया। यहाँ पे जो है आपको सेरिब्रल गैंग्लिया मौजूद है, सर्कमसेंट्रिक नर्व रिंग एंड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर नर्व्स। ये देखिए, दीज आर द सेरिब्रल गैंग्लिया, दीज आर द सर्कम फेरेंगियल नर्व रिंग, ओके, दीज आर द नर्व कोड। रेड कलर के जो आप जो है सेरिब्रल गैंग्लिया से रेड कलर के जो ट्यूब आप देख रहे हैं दैट इज द नर्व कोड। देन आफ्टर नर्व कोड, ये आपको डोर्सल साइड में डोर्सल नर्व कोड होंगे और वेंट्रल साइड में वेंट्रल नर्व कोड होंगे। तो दीज आर द नर्वस सिस्टम आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ पे आपको देखने को मिला है नर्वस सिस्टम बॉडी पे। ठीक है, नाउ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्सेस आर सेपरेट, दैट इज यूनिसेक्सुअल। यहाँ पे आपको देखने को मिला है मेल अलग और फीमेल अलग देखने को मिले हैं। ये आपके यूनिक फीचर हैं इसके, क्योंकि अब तक हमने जितने भी फाइलम पढ़ा था तो वहां पे जो है आपको हर्माफ्रोडाइट्स आपको देखने को मिला था, यानी कि बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म देखने को मिला था, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल ऑर्गेन मौजूद होते हैं। लेकिन एस्कलेमेंथिस से आपको आगे जो है आने वाले जितने भी फाइलम है वहां पे आपको यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, दैट इज मेल अलग और फीमेल अलग देखने को मिलेंगे। ठीक है, मेल आर मोनार्चिक। मोनार्चिक का मतलब क्या होता है? दोज एनिमल विच हैज सिंगल टेस्टिस। ऐसे एनिमल में, ऐसे जानवर में टेस्टिस जो होते हैं वो आपको एक ही होते हैं। दीज आर द मेल ऑर्गेन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है। दिस इज द टेस्टिस, दिस इज रेक्टम, दिस इज पाइनियल सीटे एंड क्लोका। ये आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है एंड दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें वेजाइना है, फीमेल जेल गोनोपोर है, देन आफ्टर यूटेरस एग्स एंड ओविडक्ट एंड ओवरी। ठीक है, तो मेल में मोनार्चिक टेस्टिस, मोनार्चिक देखा गया है कंडीशन। मोनार्चिक कंडीशन का कहने का मतलब क्या? जो टेस्टिस जो होते हैं वो आपको सिंगल होते हैं, एक ही टेस्टिस मौजूद होता है। आपको पता होगा मैक्सिमम जो एनिमल्स होते हैं जिसमें टेस्टिस दो मौजूद होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ही टेस्टिस मौजूद है। स्पर्म ऑफ एस्केरिस डू नॉट हैव टेल। आप सभी को ये भी पता होगा हम लोगों के जो स्पर्म होते हैं दैट स्पर्म हैव टेल फॉर मूवमेंट ऑफ दिस स्पर्म सेल। स्पर्म सेल के मूवमेंट के लिए जो है ना आपको टेल मौजूद होता है जो इनके इनके मोटाइल स्ट्रक्चर को कैरेक्टराइज करता है। लेकिन यहाँ जो है आपको एस्कलमेंथिस के जो स्पर्म होते हैं दे डोंट हैव टेल। ये आपको इस तरह से सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, दे डोंट हैव टेल, दिस इज इंपॉर्टेंट। फीमेल जो है फीमेल डाइडेल्फिक्स है। डाइडेल्फिक्स कहने का मतलब क्या? वन पेयर ऑफ ओवरी। यहाँ पे आपको दो जो है ओवरी देखने को मिलेगा, ठीक है, दो ओवरी आपको देखने को मिलेगा। दिस इज द सिंगल ओवरी, आपको दोनों तरफ दो ओवरी देखने को मिलेगा। ओवरी आर थ्रेड लाइक एंड ओपन इनटू जेनाइटल ओपनिंग। ओवरी जो है आपको थ्रेड लाइक होंगे, धागानुमा स्ट्रक्चर होते हैं। फीमेल आर लॉन्गर देन मेल, ये मैंने आपको बता दिया। जनरली जो है इस कंडीशन में आपको एस्कलेमेंथिस में फीमेल जो होते हैं वो लंबे होते हैं इन कंपेरिजन टू मेल। ओवा ऑफ एस्केरिस डू नॉट राउंड बट इलेप्टिकल इन शेप। जैसा कि आप जानते हैं जनरली जो है ओवा जो होते हैं दैट इज राउंड इन शेप एंड दे आर द लार्जेस्ट सेल इन आवर बॉडी। आपको पता होगा ओवा जो है हमारे शरीर की सबसे बड़े सेल है एंड स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट सेल इन आवर बॉडी, यू ऑल नो अबाउट इट। तो ओवा ऑफ एस्केरिस डू नॉट राउंड बट एलिप्टिकल इन शेप। ये जो होते हैं वो चपटे होते हैं, थोड़ा सा जो है इलिप्टिकल ओवा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, नॉट राउंड, राउंड यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। वन एस्केरिस कैन ले 27 मिलियन एग। एक एस्केरिस लेमुरिकार्डिस जो होते हैं वो 27 मिलियन एग जो है अंडे दे सकते हैं। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
this female esters. Understand? Now fertilization is internal. यहाँ पे fertilization जो है वो internal देखने को मिला है. Internal कहने का क्या मतलब, body के अंदर जो है male है अलग है female अलग है. Male से sperm गया female के अंदर और female के body के अंदर ही जो है आपको male और sperm, male के sperm और ova दोनों fuse करके आपको zygote बनाएंगे. तो fertilization जो है वो आपको body के अंदर ही हो रहा है, ठीक है. उसके बाद फिर डेवलपमेंट, इट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहने का क्या मतलब है, डायरेक्ट डेवलपमेंट ऐसे कंडीशन को बोला जाता है सो मेल जिस प्रकार है फीमेल जिस प्रकार के हैं तो हूबहु उनके बच्चे जो है उन्हीं प्रकार के देखने को मिलेंगे. तो दैट इज द डायरेक्ट डेवलपमेंट. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में आपने देखा था क्या, अभी तक इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता था जिसमें जो है ना डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस देखते थे, डिफरेंट डिफरेंट लार्वल कंडीशन देखते थे, तब जाके जो है एडल्ट में कन्वर्ट होता था जो आपको हूबहु मेल और फीमेल की तरह मिलते थे, देखने में मिलते थे. तो यहाँ पे जो है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है और यहाँ पे आपको डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है. नाउ यूनिक फीचर इनके क्या है, सिंसाइटियल एपिडर्मिस मल्टीन्यूक्लिएटेड. यहाँ पे यूनिक फीचर क्या है, दे आर सिंसाइटियल एपिडर्मिस. सिंसाइटियल एपिडर्मिस का क्या मतलब, मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है इनके बॉडी जो है ना, एपिडर्मिस होते हैं उनपे बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, दैट इज मल्टीन्यूक्लिएटेड. मस्कुलेचर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स ओनली, इनके बॉडी पे जो है ना लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स, मस्कुलर सेल का लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स इस तरह से मौजूद है. प्रेजेंस ऑफ स्यूडोसिलोम, दैट इज बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट बट नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म. स्यूडोसिलोम का क्या मतलब है, बॉडी में आपको कैविटी दिखने को मिलेगा, कैविटी देखने को मिलेगा लेकिन इनमें जो है ना मेसोडर्मल लाइनिंग नहीं मौजूद होते हैं, ठीक है. ये आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया था व्हाट इज ए सिलोमेट, व्हाट इज स्यूडोसिलोमेट, व्हाट इज ट्रू सिलोमेट. तो आप वहां जाके समझ सकते हैं स्यूडोसिलोम क्या है क्लियरली, ठीक है. दे आर यूनिसेक्सुअल, ये जो है आपको यूनिसेक्सुअल होते हैं, जैसा मैंने बताया आपको, ये आपको मेल अलग और फीमेल अलग होते हैं, दे आर यूनिसेक्सुअल. ओके, नाउ एग्जांपल्स देखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं एग्जामिनेशन में. एग्जांपल्स में आप सबसे पहले देख सकते हैं एस्केरिस लिम्ब्रिकार्डिस. एस्केरिस लिम्ब्रिकार्डिस राउंड वर्म बोला जाता है. वोचेरेरिया बैनक्रॉफ्टाई, वोचेरेरिया बैनक्रॉफ्टाई को फाइलेरिया वर्म बोला जाता है. देन आफ्टर एनसाइलोस्टोमा डियोडेनेले, इसे हुक वर्म बोला जाता है. और उसके बाद इंटेरोबियस वर्मिकुलरिस, इसे पिन वर्म या फिर थ्रेड वर्म बोलते हैं. देन लोवा लोवा इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके आई वर्म बोले जाते हैं लोवा लोवा को. और फाइनली ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, इन्हें जो है जीनिया वर्म बोला जाता है, गिनिया वर्म जिसे बोलते हैं, ठीक है. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. आप इन्हें रट ले क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको यहीं से क्वेश्चन बहुत बहुत देखने को मिले हैं. आप इन्हें बार बार रिपीट करें, आपको हो सकता है पहली बार उच्चारण करने में थोड़ा सा कठिनाइयां फेस करना पड़े लेकिन बार बार आप इसे उच्चारण करेंगे तो आप भी फटाफट इसे बोल सकते हैं, ठीक है. जैसा भी मैं बोल रहा हूँ देखिए, एस्केरिस लुब्रिकार्डिस, उचरेरिया बेनक्रॉफ्टाई, एनसाइलोस्टोमा डियोडेनेले, एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस, देन आफ्टर लोआ लोआ और ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस लुब्रिकार्डिस. एस्केरिस लुब्रिकार्डिस के लाइफ साइकिल आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ साइकिल जो है आपके एस्केरिस लिम्ब्रिकार्डिस के कहीं कहीं एग्जामिनेशन में आपको या फिर 11th क्लास में आपको पूछा जाएगा, ठीक है. तो देखिए, इट इज मोनोजेनेटिक. मोनोजेनेटिक का कहने का क्या मतलब, इट इन्वॉल्व्स ओनली वन होस्ट. यहाँ पे जो है आपको ये जो है या तो मेल में आपके ह्यूमंस में आपके बॉडी में मौजूद रहेंगे तो इनके जो होस्ट होते हैं जिनमें ये रहते हैं सिर्फ एक ही होस्ट होता है. आपने देखा था पहले लाइफ साइकिल जो है जितने भी है प्लेटीहेलमिंथिस में आपको लिवर फ्लूक में जो लाइफ साइकिल देखा था, तो आपने देखा था वहां पे क्या, पहले सीप में गए, देन आफ्टर स्नेल में, देन आफ्टर डिफरेंट डिफरेंट पिग वगैरह में. तो डिफरेंट डिफरेंट होस्ट वहां पे मौजूद होते हैं, एक होस्ट एक एनिमल से दूसरे एनिमल, दूसरे से तीसरे एनिमल्स में रहते थे. लेकिन यहाँ पे जो है ना आपको मोनोजेनेटिक होस्ट, दैट इज एक ही होस्ट होते हैं, दैट इज ह्यूमन. ह्यूमन के ही बॉडी में आपको देखने को मिलता है एस्केरिस लिम्ब्रिकार्डिस, ठीक है. एडल्ट वर्म लिव इन द ल्यूमन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. जो एडल्ट वर्म होते हैं वो आपको हमारे शरीर के जो इंटेस्टाइन होते हैं उन्हीं इंटेस्टाइन के खाली जगहों में रहते हैं, ठीक है. फीमेल में प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली 2 लाख एग पर डे. जो फीमेल होती है वो आपको 2 लाख अंडे एक दिन में देती है, विच आर पास्ट विद द फिशेस. जो आपको अंडे जो है आपको मल के द्वारा पास्ट होते हैं, ठीक है. फर्टिलाइज्ड एग एम्ब्रायनेटेड डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन टू बिकम इन्फेक्टिव. अब देखिए सिचुएशन क्या होता है, दिस इज द मेल
एस्केरिस एंड दिस इज फीमेल एस्केरिस, दोनों में फ्यूजन होगा, फ्यूजन होगा तो आपको एग बनेंगे, दीज आर द एग। अब ये अनफर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, और ये फर्टिलाइज्ड एग है, अगर सुटेबल एटमोस्फियर मिला तो ये आपको फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं, यानी कि फर्टिलाइज कहने का मतलब ये जो है आगे जो है ह्यूमन में जाने के योग्य हो जाते हैं, ठीक है। अनफर्टिलाइज्ड आपको फिर दीज आर अनफर्टिलाइज्ड एग विल नॉट अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट, जिनका डेवलपमेंट आगे नहीं होता है। अब ये फर्टिलाइज्ड एग इस तरह से जो है आपको ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है, इस तरह से जायगोट वगैरह बना, और फाइनली जो है आपको दीज आर द कंडीशन जहां पे हम लोग देखिए द इन्फेक्टिव एग आर स्वेलोड एंड लार्वा हैचेड। अब इन्फेक्टिव एग जो है खाने के माध्यम के द्वारा जो है हम में इन्हें बॉडी में हमारे जाता है, जो निगला जाता है हमारे द्वारा। द लार्वा मैच्योर इन लंग्स, लार्वा जो है हमारे बॉडी में अंदर जाके लंग्स में जो है वो आपको हमारे लंग्स में, बॉडी के लंग्स में मैच्योर करता है। पेनिट्रेट द एल्वियोलर वॉल, जो हमारे लार्वा जो होते हैं वो हमारे जो लंग्स के जो वॉल है उन्हें पेनिट्रेट करके वो हमारे बॉडी के एसेंड टू द थ्रोट, जो गले तक पहुंच जाता है, एंड आर स्वेलेड, और जिसे निगला जाता है, और फाइनली ये हमारे बॉडी के इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं, ठीक है। अपॉन रीचिंग द इंटेस्टाइन दे डेवलप इन द एडल्ट फॉर्म, और इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद जो है अगेन वो आपको वहां पे डेवलपमेंट उनका होता है हमारे ह्यूमन के बॉडी के इंटेस्टाइन में, और फाइनली वो डेवलप होता है, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो दीज आर द लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस लुब्रिकार्डिस, दैट्स ऑल अबाउट द एस्केलमेंथिस, ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे और सेशन लाने के लिए प्रेरित करें। तब तक के लिए थैंक यू।